नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल रनिंग एकेडमी फॉर आर्मी बॉयज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटे का निशान है उसे दबाएँ ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि किस सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलते हैं आर्मी में, आपको उसका कितना फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, जो युद्ध में मारे गए सैनिक हैं तथा उनकी विधवा या उनके बच्चे हैं उन्हें सोल्जर जीडी एवं सोल्जर ट्रेड्समैन में 20 मार्क्स मिलते हैं और सोल्जर क्लर्क एवं जो स्टोर कीपर की भर्ती है या टेक्निकल की भर्ती है उसमें 20 मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों, अगला है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। दोस्तों, अगर किसी प्लेयर ने इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व किया है या इंटरनेशनल लेवल पर खेला है तो उसे सोल्जर जीडी एवं सोल्जर ट्रेड्समैन में 20 नंबर मिलते हैं और यही नंबर सोल्जर क्लर्क जो सोल्जर स्टोर कीपर होता है उसे और सोल्जर टेक्निकल उसमें 20 नंबर मिलते हैं। फिर दोस्तों, अगर कोई भी प्लेयर नेशनल लेवल पर खेला है तो उसे 15 नंबर मिलेंगे, सोल्जर जिड्डी हो या क्लर्क हो या ट्रेडमैन हो या टेक्निकल की भर्ती हो, सभी में जो स्पोर्ट्समैन की भर्ती हैं उसमें बराबर नंबर मिलते हैं। अगला है दोस्तों, अगर कोई प्लेयर स्टेट लेवल तक खेला है तो उसे 10 नंबर मिलते हैं, चाहे भर्ती सोल्जर जिड्डी की हो या सोल्जर ट्रेड्समैन की हो या सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर की हो या सोल्जर टेक्निकल की हो। दोस्तों, आगे है, अगर किसी प्लेयर ने स्टेट लेवल या इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों में भाग लिया है और कोई भी मेडल जीता है तो उसके 10 नंबर मिलेंगे। अगर कोई प्लेयर इंटर डिस्ट्रिक्ट एवं यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है तो उसके 5 नंबर मिलेंगे। दोस्तों, आगे है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। दोस्तों, जो भी अभिभावक हैं या जो भाई हैं जिनके बच्चे +1 या +2 या अभी बीए में एडमिशन लेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि अगर कोई लड़का जो +1 या +2 में एडमिशन लेता तो आप ऐसे स्कूल को चूज करो जिसमें एनसीसी की शाखा हो। दोस्तों, एनसीसी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर +1 में एनसीसी मिल जाती है तो मान लो अगर आपका लड़का 16 साल का +1 में है, 16 साल में +A सर्टिफिकेट हो जाएगा, 17 में B सर्टिफिकेट और कॉलेज के BA फर्स्ट ईयर में C सर्टिफिकेट मिल जाएगा 18 साल की उम्र में। उस तो दोस्तों, अगर उसके पास 3 साल मौका मिलेगा, अगर C सर्टिफिकेट होगा तो आपका बच्चा अगर आर्मी में बेल्ट की तैयारी करता है तो सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर जीडी में उनका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये एक गोल्डन चांस है। दोस्तों, आइए बताते हैं एनसीसी के जो सर्टिफिकेट हैं उनका क्या क्या फ़ायदा है। दोस्तों, एनसीसी ए सर्टिफिकेट का फ़ायदा है, दोस्तों सोल्जर जीडी एवं सोल्जर ट्रेड्समैन में 5 नंबर मिलेंगे, क्लर्क एवं सोल्जर टेक्निकल में 5 नंबर मिलेंगे। फिर दोस्तों, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, इसके भी दोस्तों सोल्जर जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, एसकेटी स्टोर कीपर एवं सोल्जर टेक्निकल में 10 नंबर मिलेंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, दोस्तों इसके जो सर्टिफिकेट है उसमें सोल्जर जीडी एवं सोल्जर ट्रेड्समैन में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों, सीधा डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएगा और सोल्जर जो
क्लर्क है या सोल्जर टेक्निकल है उसमें 15 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों अगर NCC सर्टिफिकेट के साथ आपने गणतंत्र दिवस की जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें भाग लिया है तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। चाहे सोल्जर GD हो या सोल्जर क्लर्क हो या सोल्जर ट्रेड्समैन या टेक्निकल, डायरेक्ट सीधा क्वालिफाई होगा। दोस्तों जो ये सर्टिफिकेट हैं इनमें से आप किसी एक का जो फ़ायदा उठा सकते हो। दोस्तों अगर आपने स्पोर्ट्समैन में जो सर्टिफिकेट लिया इंटरनेशनल या नेशनल लेवल या स्टेट लेवल कोई भी हो तो आप दोस्तों ग्रेडेशन बनवाएं, क्योंकि अगर किसी भी भाई की या दोस्त कुछ भी हो हाइट पूरी नहीं है तो ग्रेडेशन से आपके 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, तो इससे आपको आर्मी में या देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।